दोस्तों, मैं जयराम प्रजापत विटी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक। देखो, अपने को सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखो कि रूट वन माइनस साइन थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले जो साइन थीटा, अब देखो पद सेक थीटा और टेन थीटा के अंदर है ना। अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, दोनों को साथ में देखो, यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा के अंदर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, टेन और कोट में, जबकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये साइन के अंदर दे रखा है इसको। तो अब इसको साइन को तो साइन में कैसे चेंज करें अपन, बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है कि जैसे टेन आता उसको साइन में चेंज कर देते, कोट आता उसको साइन कोस में चेंज कर देते, सेक आता उसको कोस में चेंज कर देते, वे तो खुद किस में दे रखा है, साइन में दे रखा है। तो इसके लिए सर्वसम्मिका कैसे बनाएंगे अपन, कि जो नीचे आपको दे रखा है ना, जैसे कि वन प्लस साइन थीटा, तो आपको एक बार तो इस कोष्टक को है जैसा जैसा लिखना, आपको रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, और किसको अपन हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो वन प्लस साइन थीटा नीचे देखना आपको, ये तो गया अपना अंश और ये हो गया अपना हर, तो हर के अंदर जो साइन थीटा के पहले चिन्ह किसका है, प्लस का ना, तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो आप ऊपर नीचे। वन प्लस साइन थीटा तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, वन माइनस साइन थीटा से, बस सवाल हल हो जाएगा आपका। अब देखो अगर आप गुणा करोगे इनको, ऊपर वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, तो ऊपर क्या बन गया, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, तो रूट में आ गया ऊपर वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया, देखो ये तो हो गया आपका ए, एक को तो क्या मानेंगे अपन ए, और साइन थीटा को क्या मानेंगे अपन बी, तो ये हो गया अपना ए प्लस बी, और ये क्या हो गया आपका ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो आप, रूट वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया आपका, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर तो कितना हो गया आपका एक, और साइन थीटा का माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने सर्वसम्मिका पढ़ी होगी कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता आपका एक होता है, नहीं होता है? अब यहां से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखना अपने को, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या करोगे आप, इधर पक्षांतरण करोगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा आपका, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो क्या आप, कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा आपका रूट में वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब इसका रूट को हटाएंगे अपन, अरे होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, केवल वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अरे ये बचेगा ना, ये पूरा कोष्टक मान लो, और इस पूरे कोष्टक की पावर रूट है, तो रूट का मतलब इसकी पावर कितनी, एक बटा दो, तो एक बटा दो से दो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक बटा दो से दो कैंसिल हो जाएगा। या आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो, अगर संख्या स्क्वायर के अंदर है और इसके उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट कैंसिल हो जाता है, समझ गए? अब देखो अपने को निकालना क्या, अपने को सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए अपने को, जबकि सेक थीटा और टेन थीटा यहाँ से बन रहा है, नहीं बन रहा है? अगर मैं इनको अलग अलग लिख दूँ, वन अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोई दिक्कत है किसी को? अरे अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? दोनों के अलग अलग लिख दो आप। वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका, पढ़ा होगा आपने सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सर्वसम्मिका पढ़ी है। तो यहाँ पर दो सर्वसम्मिका लगा दो आप, चूंकि वन अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा। ये दोनों सर्वसम्मिका आप अगर लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसलिए वन अपॉन कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा सेक थीटा, फिर चिन्ह किसका माइनस, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका टेन थीटा, और ये किसके बराबर आ गया आपका राइट हैंड साइड के,
और ये तो अपने को सिद्ध करना है। अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके हल किया, sec थीटा माइनस tan थीटा अपने को लेके आना था और क्या आ गया अपना sec थीटा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल सरल है, थोड़े से केवल सरसमिकाओं का आप ज्ञान रखो। 8-10 जो मैंने मुख्य मुख्य सरसमिका लिखा रखी उनको आप से ढंग से पढ़ लो, सब आ जाएगा। अब देखो इधर आप इसको हल करोगे तब अपने को लेके आना tan थीटा प्लस cot थीटा। अब tan थीटा प्लस cot थीटा लाने का मतलब ये है कि sec थीटा को भी चेंज करो ना और cosec थीटा को भी चेंज करना है। और हम क्या जानते हैं, चूंकि सरसमिका आपने पढ़ी है कि चूंकि sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा और एक cosec थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/sin थीटा। दोनों सरसमिका पढ़ी हुई है, दोनों सरसमिका लगा दो आप इसके अंदर तो क्या जाएगा यहां पर आपका रूट sec थीटा की जगह क्या लिखोगे 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा का क्या करना अपने को स्क्वायर प्लस cosec थीटा की जगह क्या लिखोगे 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का क्या करोगे ऊपर स्क्वायर कर दोगे। अब इसको हल कर लो आप, रूट 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो यहाँ पर दोनों पे एलसीएम क्या आएगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर रूट cos स्क्वायर थीटा गुणा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इनको गुणा करके लिख देंगे। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का भाग इसमें कितनी बार जाएगा sin स्क्वायर थीटा बार, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का भाग इसमें कितनी बार जाएगा cos स्क्वायर थीटा बार, और cos स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे अपन इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है नहीं होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया एक। तो आपका क्या आ गया से स्टेप रूट के अंदर 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक का वर्गमूल कितना होता है एक होता है नहीं होता है, और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का अगर वर्गमूल निकालेंगे अपन तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर आपका cos थीटा गुणा sin थीटा। लेकिन अपने को ये थोड़ी हल करना है, हल तो अपने को tan थीटा और प्लस cot थीटा हल करना है। अरे ये चाहिए ना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल यहाँ तक नहीं पूछ रहा, अगर यहाँ तक पहुँचता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान किस में चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा हम कैसे बदले इसको, आपने ये सरसमिका भी पढ़ी या नहीं पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हमने एक, किसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने एक लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसका रूट हटाना था अपने को। अब अगर मैं इसकी जगह एक की जगह वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? एक के बराबर ही तो होता है, तो इस एक की जगह वापस क्या लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और भाग किसका लगा रहे हैं अपन इसमें कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब मैंने अलग अलग लिखा था यहाँ पर हल किया था, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार तो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर भाग लगा दूंगा और एक बार कोस स्क्वायर थीटा में भाग लगा दूंगा, क्योंकि एलसीएम लेके तो हल किया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर तो इसके स्क्वायर से क्या साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कोस स्क्वायर के थीटा से कौन सा कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया आपका टेन थीटा होता है नहीं होता है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा। और देखो ऊपर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस कोट थीटा, और हल क्या अपने सिद्ध क्या करना था टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और यहाँ पर भी कितना आ गया आपका टेन थीटा प्लस कोट थीटा। बिल्कुल सवाल है ना सरल सरल है, एक भी सवाल हार्ड नहीं है, करो नोट। देखो अपने को हल करना टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा, और इसको हल करके क्या लेके आना अपने को टेन एल्फा गुणा टेन बीटा के रूप में लेके आना। तो सबसे पहले अपन क्या जानते हैं सरसमिका कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, नहीं होता है? अरे जानते हैं ना अपन कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना, एल्फा और बीटा के रूप में दे रखा है। एल्फा बीटा क्या है यहाँ पर, थीटा का मान है अलग अलग। तो अब टेन थीटा की जगह लिखते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन एल्फा की जगह क्या लिखेंगे, साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। अरे ये लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप इनको लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लो। आप टेन एल्फा की जगह लिख लो आप साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, और टेन बीटा की जगह क्या लिखोगे आप, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, और नीचे क्या आपका अपॉन कोट एल्फा। और कोट एल्फा का मान क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, नहीं होता है? सरसमी का पढ़ी है। तो कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कोट एल्फा, तो कोट एल्फा की जगह क्या करेंगे, जहाँ थीटा वहाँ पर क्या रख देंगे अपन, एल्फा रख देंगे। तो कोट एल्फा हो जाएगा आपका कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोट बीटा, कोट बीटा की जगह क्या लिख देंगे, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब क्या करेंगे इन दोनों को आप एलसीएम लेके हल करना आपको, ये अपना बीच वाला बटा। अब देखो ऊपर वाले के अंदर कोस एल्फा और कोस बीटा है नहीं है, तो यहां से आप एलसीएम क्या लोगे, कोस एल्फा गुणा कोस बीटा। अब देखो कोस एल्फा का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हो जाएगा, कोस बीटा बार भाग जाएगा, और कोस बीटा को किससे गुणा करेंगे, साइन एल्फा से। तो यहां पर क्या जाएगा आपका, साइन एल्फा गुणा कोस बीटा, चिन्ह किसका बीच में, प्लस का। अब देखो कोस बीटा का भाग इसमें लगाओगे, कोस एल्फा गुणा कोस बीटा में, तो कोस बीटा का अगर इसमें भाग लगाओगे तो कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपना कोस एल्फा। कोस एल्फा को किससे गुणा करेंगे अपन, साइन बीटा से, तो प्लस कोस एल्फा गुणा साइन बीटा। फिर इसी प्रकार से नीचे भी अपन क्या लेंगे, एलसीएम साइन एल्फा और साइन बीटा। तो साइन एल्फा और साइन बीटा का एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन एल्फा गुणा साइन बीटा। अब देखो कि साइन एल्फा का साइन एल्फा गुणा साइन बीटा में भाग कितनी बार जाएगा, क्योंकि साइन एल्फा से कैंसिल हो जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, साइन बीटा बार। साइन बीटा को किससे गुणा करेंगे, कोस एल्फा से, तो यह आ जाएगा आपका साइन बीटा गुणा कोस एल्फा प्लस साइन बीटा का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एल्फा बार भाग जाएगा, और साइन एल्फा को किससे गुणा करेंगे, कोस बीटा से, तो यह आ जाएगा आपका साइन एल्फा गुणा कोस बीटा। अब देखो कि ये साइन एल्फा गुणा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा गुणा साइन बीटा, इसके अंदर पूरे में तो भाग लगा रहे अपन, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे समीकरण में भाग लगा रहे हैं, अरे लगा रहे नहीं लगा रहे, तो इस पूरे के अंदर इसका भाग लगा रहे हैं। तो अगर सपोज मान लो यहाँ पर अगर भाग का चिन्ह लगाएं, अब अगर अपने को हल करना हो तो गुणा के चिन्ह में चेंज करेंगे तो ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो पहले तो आप ये स्टेप लिख लो, है जैसा जैसा ही क्या आएगा यहाँ से आपका, साइन एल्फा गुणा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा गुणा साइन बीटा अपॉन कोस एल्फा कोस बीटा, और इसका अगर भाग लगाएंगे तो इसको गुणा के चिन्ह में चेंज करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो साइन एल्फा गुणा साइन बीटा अपॉन क्या जाएगा आपका, साइन बीटा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा और कोस बीटा। ये लाइन समझ में आई सभी के, इनको क्या करेंगे अपन, चेंज कर देंगे अंश को हर में और हर को अंश में। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें क्या आ रहा, साइन एल्फा कोस बीटा, और यहाँ पे भी देखो साइन एल्फा कोस बीटा रहने आ रहा है, फिर प्लस कोस एल्फा साइन बीटा, यहाँ पे भी देखो कोस एल्फा साइन बीटा, तो ये पूरा पद सेम हो गया नहीं हो गया, अरे सेम हो गया ना, जब ये पूरा पद सेम हो गया तो इनको आपस में क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या है यहाँ पर आपका, साइन एल्फा गुणा साइन बीटा अपॉन कोस एल्फा गुणा कोस बीटा, यही बचा। अब मेरे को बताओ कि हल क्या करना, टेन एल्फा और टेन बीटा चाहिए। आपने पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
यहां पर देखो साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, टेन एल्फा गया नहीं आ गया। और यहां पर देखो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा का मतलब कितना हो गया, टेन बीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, टेन एल्फा गुणा टेन बीटा। और ये क्या आपका राइट हैंड साइड है, और ये तो अपने को सिद्ध करना था, टेन एल्फा गुणा टेन बीटा। आ गया समझ में, बिल्कुल शॉर्ट टाइप, ये एक लाइन आपको याद रखनी सही ढंग से। चले आगे, फिर आ जाओ आप इधर क्वेश्चन नंबर नौ के ऊपर। अब यहां पर क्या कैसे हल करेंगे, अपने को टू सेक थीटा लेके आना है और लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। तो टू सेक थीटा कब आएगा, जब इन दोनों का अपन एलसीएम लेके हल करेंगे तब सरसमीका बनेगी। अभी यहां पर तो कोई सरसमीका बनी नहीं रही, तो आप यहां पर क्या करोगे, दोनों के अंदर एलसीएम लेके हल करोगे। तो एलएचएस के अंदर एलसीएम क्या ले लिया मैंने, कोस थीटा गुणा वन प्लस, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने एलसीएम दोनों को क्या ले लिया, गुणा के रूप में ले लिया। अब कोस थीटा और वन प्लस साइन थीटा अगर एलसीएम में आ गया, अब इस कोस थीटा का अगर इसमें भाग लगाओगे आप, तो कोस थीटा से कोस थीटा तो आपस में कैंसिल हो गया, भाग कितने बार गया, वन प्लस साइन थीटा बार। वन प्लस साइन थीटा को किससे गुणा करेंगे, वन प्लस साइन थीटा से। तो यहां पर आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, वन प्लस साइन थीटा, इसका क्या लिख देंगे अपन, होल स्क्वायर फिर चिन्ह प्लस का। अब वन प्लस साइन थीटा का भाग इसमें वन प्लस साइन थीटा में कितने बार जाएगा, एक बार बचा गया कोस थीटा, तो भाग कितने बार गया टोटल, कोस थीटा बार। अब इस कोस थीटा को किससे गुणा करेंगे, कोस थीटा से, तो यह आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ मेरे को यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर वन प्लस साइन थीटा, तो कैंसिल। देखो चिन्ह ऊपर किस में आ रहा है, बीच में प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा तो इसलिए अपन यहां से कैंसिल नहीं कर सकते, अगर गुणा में आ रहा तो अपन ऊपर नीचे काट देते, लेकिन ऊपर चिन्ह किसका आ गया, प्लस का आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना ही पड़ेगा, या फिर आप और कोई इसका हल है नहीं, तो आप इसको क्या करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, नहीं होता है। तो यहां से आप इसको खोलोगे अगर, तो एक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दो गुणा ए, ए का मान कितना आएगा एक, गुणा बी, बी का मान कितना आएगा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा आपका कोस थीटा कोष्टक वन प्लस साइन थीटा। अब देखो यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सरसमीका आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, नहीं होता है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, मैं एक लिख दूंगा, और एक का स्क्वायर कितना होता है आपका एक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने एक प्लस दो साइन थीटा, और नीचे कितना बच गया आपका कोस थीटा और वन प्लस साइन थीटा। अब देखो एक और एक कितना हो गया दो, तो आगे की स्टेप में क्या जाएगा आपका दो प्लस दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कोस तक वन प्लस साइन थीटा। अब देखो इसके अंदर कि दो बार कॉमन आ सकता, नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी दो और यहाँ पर भी दो, अब हल हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ पर तो क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि चिन्ह किसका आ रहा था बीच में प्लस का ना, इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा था, है ना। तो इस प्रकार की अगर कहीं कंडीशन बन जाए, तब आप उसके होल स्क्वायर बन रहा होल स्क्वायर को खोल लो पहले, तो उसके बाद में अपने आप कट जाएगा सवाल। अब देखो दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया अगर बाहर दो, तो अंदर कितना बच गया वन प्लस साइन थीटा, और नीचे कोस थीटा कोस तक वन प्लस, देखो ऊपर नीचे वन प्लस साइन थीटा बन गया, नहीं बन गया, तो आप क्या करो इनको वन प्लस साइन थीटा को वन प्लस साइन थीटा से कैंसिल कर दो, बचा गया यहाँ पर आपका दो बटा कोस थीटा। तो दो गुणा वन पॉइंट कोस थीटा लिखते हैं इसको इसी प्रकार से, और वन पॉइंट कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका दो सेक थीटा, और ये क्या हो गया आपका आर एच एस, और ये तो अपने को हल करना था दो सेक थीटा, और क्या आ गया अपना टू सेक थीटा। बिल्कुल सरल सरल सवाल है।